आगामी 14 मई 2022 को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। इस बार ग्रामीण स्तर तक भी हुआ प्रचार प्रसार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजाद सिंह व सिविल जज मीनाक्षी सिन्हा ने दी मीडिया को संयुक्त रूप से विस्तृत जानकारी। बताया 70,000 केस किए चिन्हित, उसमें 40,000 का रखा गया लक्ष्य। जिले के डीएम एसएसपी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी मिल रहा पूरा सहयोग। न्याय शुल्क वापस पाकर आपसी भाईचारे के साथ निपटा सकते हैं अपने सभी प्रकार के वाद। प्रचार प्रसार को थानों चौकियों आदि पर एसएसपी आशीष तिवारी ने लगवाए होर्डिंग। जिलाधिकारी के माध्यम से एडीएम द्वारा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा जागरूक। फिरोजाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के अध्यक्ष एवं जिला जज संजीव फौजदार के निर्देशन में 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सिविल लाइन दबरे स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल ऑफिसर आजाद सिंह ने अपने कार्यालय पर एक वार्ता रखी, जिसमें उनके द्वारा व जिला विधिक प्राधिकरण की प्रभारी सचिव एवं सिविल जज मीनाक्षी सिन्हा द्वारा इस विषय पर तैयारियों को लेकर संयुक्त रूप से जानकारी दी गई। जी मैम, लोक अदालत को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप आम जनता के लिए? आम जनता से बस यही निवेदन है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपसी डेमिनस है या जो उनके मुकदमे लंबित चले आ रहे हैं, वो लोक अदालत के माध्यम से अपना वादों का निस्तारण कर सकते हैं। और जो सालों साल परेशान होते हैं, चाहे वो पारिवारिक मामले हों या छोटे प्रकृति की शमली वाद हों, उसका निस्तारण भी लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। जी सर, आगामी आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए क्या तैयारियां हैं सर? आगामी लोक अदालत के लिए सबसे पहले हम केसेस को चिन्हित किया है, 70,000 के लगभग केस चिन्हित किए हैं और उसमें से लगभग 40,000 केसों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ जो लोक अदालत के लिए प्रचार प्रसार के लिए अब की बार हम ग्राम स्तर तक गए हैं और जो प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो सचिवालय भवन होता है उस तक भी हमने बैठकें की हैं और वो प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं और पुलिस कप्तान साहब के माध्यम से भी यह प्रत्येक थाने और चौकी पे जो है होर्डिंग लगवाए गए हैं लोक अदालत के, ताकि जितने भी वादकारी आए थाने में जो है उनको भी जानकारी हो सके, वो किसी और को बता सकें। इसी प्रकार से डीएम साहब के माध्यम से जो है एडीएम साहब ने भी प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर जाकर प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किए गए हैं और ये प्रत्येक नगर पालिका इत्यादि द्वारा भी अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं। लगभग क्या लक्ष्य रखा गया है? इसका लक्ष्य रखा गया है, अभी हमने वार्ड चिन्हित किए 70,000 के लगभग, लेकिन ये लक्ष्य 40,000 के लगभग है।